हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो इस आईआईटी के लिए 8 to 10 days जो भी आपके पास बाकी हैं उसके अंदर। सबसे पहली चीज, बूस्टिंग करने का क्या मतलब है। अगर आपका स्कोर 30-40 चल रहा है और आप उसको सीधे 230-240 ले जाना चाहते हैं तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आपको एक ड्रॉप कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्कोर लेट से 100 है तो आप इसे 150 तक ले जा सकते हैं, 80 है तो 130 तक ले जा सकते हैं, इवन 170-180 है तो आप 210-220 तक ले जाने की सोच सकते हैं, जो कि आपको एक बेटर कॉलेज दे पाएगा। और न सिर्फ बेटर कॉलेज बल्कि आपके ऑप्शंस ओपन कर देगा, आपको कोई भी कॉलेज जहां चूज करना है आप रिजेक्ट नहीं होंगे एटलीस्ट उस जगह से। इसके लिए मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला है मॉक टेस्ट। ये चीज आपने काफी सुना होगा कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, लेकिन मॉक टेस्ट देने का एक तरीका होता है, ठीक है। आपके पास 10 डेज बाकी है, एटलीस्ट 6 to 7 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको लगता होगा कि एक दिन मॉक टेस्ट, एक दिन पढ़ाई, एक दिन मॉक टेस्ट, एक दिन पढ़ाई, लेकिन इस तरह के रिविजन को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको ब्रेक नहीं डालना है, एक मोमेंटम बिल्ड करो ताकि आपके लास्ट के 3-4 जो मॉक टेस्ट है वो आपको पुश कर दें एग्जाम में बेटर करने के लिए। इसके साथ ही कुछ नए स्ट्रैटेजीज ट्राई करो एक दो मॉक टेस्ट में। हो सकता है आपका स्कोर अराउंड 140 चल रहा हो, आपको 150 या 160 लेकर जाना है, तो आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करके देखो, पहले बायो अटेम्प्ट करके देखो, आपका टाइम बचे एक सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में, उससे आपके सिली मिस्टेक्स कम हो जाए। आप अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन में कोशिश करो फुल मार्क्स लाने का, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करने का, और अपने वीक सेक्शन में टाइम बचाने का। आपको बायो का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको, आप उस पर पॉन्डर करके उसका आंसर नहीं ला सकते आईआईटी के अंदर, क्योंकि याद करने वाली चीजें आती हैं इसमें काफी सारी। इसके साथ ही आप कोशिश करो एग्जाम एनवायरनमेंट को जितना ज्यादा हो सके कॉपी करने का, यानी आप अपने स्क्रीन पर एग्जाम दीजिए, आप पीडीएफ खोलकर एग्जाम दो एक क्वेश्चन एक टाइम पर खोल के। इसके साथ ही कैलकुलेटर रखो अपने स्क्रीन पर, आप कोई भी डिजिटल कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। एक टाइमर रखो, पानी की बॉटल लेकर बैठो, ना कि रूम या किचन में जाकर पानी पी रहे हो, वॉशरूम 3-4 बार नहीं, पेरेंट्स से बात नहीं, 3 घंटे आपको बेसिकली एक एग्जाम एनवायरनमेंट में रहना है ताकि जब आप फाइनल डे एग्जाम देने को जाओ तो आपको कुछ नया ना लगे वहां पर, कोई हेडेक या वगैरह कुछ भी अलग ना हो। नेक्स्ट चीज है कि आपको नए चैप्टर शुरू करने चाहिए या नहीं। तो काफी सारे लोग कहते हैं कि एंड डेज में आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आईआईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको विड्थ चाहिए ना कि डेप्थ, तो आप एक दो नए चैप्टर शुरू कर सकते हो, ट्राई करो 3-4 दिन के अंदर खत्म कर देने के, एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज रखो उसके बारे में तो काफी बेहतर होगा। नेक्स्ट आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगा 150 प्लस एटलीस्ट आप ट्राई करो, इससे आपके मोस्ट ऑफ द आइजर्स खुल जाते हैं। अगर आपका टारगेट आईएससी है तो एटलीस्ट 200-210 के ऊपर रखने की कोशिश करो। अगर आपका टारगेट स्कोर आइजर पुणे है तो कोशिश करो 180-190 के ऊपर रख सको तो बेटर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एग्जाम के लिए है कामनेस। इसके लिए आपको थोड़ा एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करना होगा। ये चीज आप मॉक टेस्ट जब दोगे एक क्लोज्ड प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में तो आपकी बॉडी बेटर प्रेशर को झेलने के लिए एक्लिमेटाइज हो जाएगी। आपने किसी गिटारिस्ट के फिंगर्स देखे होंगे तो वहां पर कैलिसेस आ जाते हैं ऊपर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप उस पर कंटिन्यूअसली प्रेशर डालते हैं तो बॉडी अडेप्ट कर जाती है। सेम चीज है यहां पर भी। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा अपने आपको स्ट्रेस में डालने का मतलब नहीं कि आप रात भर सो नहीं रहे हो, आप जगे हुए हो। स्ट्रेस में डालने का मतलब कि आप जब एग्जाम देने का टाइम आया है तो आप एग्जाम के मूड में आ जाओ। आपको एक कैजुअल मिस्टेक, सिली मिस्टेक जिसे हम लोग कहते हैं, वो ना करो, कहीं पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करो, जोन आउट ना हो जाओ एग्जाम के बीच में। तो ये सारी चीजें आप मॉक टेस्ट दोगे तो बेटर होते जाएगी। अपना टारगेट हाई रखो, आपको लो के लिए सेटल करने की जरूरत नहीं है। All the best. Thank you.